मेरी नागेश्वरम की ट्रिप थी वो भी यहाँ पे डन हो गई है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ श्री द्वारिकाधीश मंदिर। उसके साथ में यहाँ की सोमनाथ की पूरी ट्रिप कंप्लीट होती है और जो अब मेरा नेक्स्ट प्लान है अब वो मैं महाराष्ट्र में एंटर करूंगा जो कि नासिक जा रहा हूँ मैं। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अगेन यात्रा की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ श्री द्वारिकाधीश मंदिर। श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करते हुए फिर उसके बाद फिर निकल जाना मैंने श्री नागेश्वरम जी के दर्शन करने हुए। तो चले चलते हैं पहले मंदिर और श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके फिर उसके बाद रिटर्न आते हैं। तो उसके बाद फिर नागेश्वरम निकलना रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि आज ही हम श्री सोमनाथ के भी दर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे द्वारिकाधीश मंदिर पे। सुबह जल्दी उठ के हमने श्री द्वारिकाधीश के अभी दर्शन कर लिए हैं और अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा वो जाना पड़े हमें श्री नागेश्वरम दर्शन करने के लिए। सो चलते हैं नागेश्वरम के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लान कंटिन्यू करेंगे। और समय हो रहा है लगभग 7:30 बज रहे हैं मॉर्निंग में और मैं सुबह 6 बजे के लगभग आ गया था यहाँ पर। तो अभी यहाँ से चलते हैं, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में श्री नागेश्वरम जी का मंदिर है तो वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। जो मेरा 6 ज्योतिर्लिंग विजिट का प्लान रहेगा वो डन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर का ये कुछ व्यू है और आप ये सामने मंदिर देख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था गाइस, इसलिए यहाँ का ब्लॉग वगैरह ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया और मेन तो अपना 12 ज्योतिर्लिंग का प्लान था। तो सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जस्ट जनरली हमने यहाँ पे द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए और उसके बाद अब सीधे जो है नागेश्वरम का प्लान कर रहे हैं। मैं आगे हूँ श्री नागेश्वरम और मैं अब जा रहा हूँ मंदिर परिसर में दर्शन करने। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती जैसे कि अभी तक जहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे जिस ज्योतिर्लिंग पे गया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। चलिए दर्शन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रश वाला माहौल नहीं है नॉर्मल। सो फाइनली यहाँ पे ईजिली जो है दर्शन हो गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे विशेष बताना चाहूँगा कि अगर आपको गर्भगृह में दर्शन करना है तो आप गर्भगृह तक भी दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 100 रुपये की स्लिप कटानी पड़ती है और एक यहाँ पूजा की थाली होती है, आपको अभिषेक की थाली होती है वो लेके जाना होता है। और इसके बाद फिर आपको डायरेक्ट अंदर जो पंडित रहते हैं वो गर्भगृह तक ले जाते हैं। वहाँ पे आपको धोती पहननी पड़ती है, लाइक अगर पैंट शर्ट पे आए तो आपको पैंट निकालनी पड़ती है फिर धोती पहननी पड़ती है और गर्भगृह तक आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बाकायदे अभिषेक होता है, अभिषेक होने के बाद फिर वहाँ से आपको प्रसाद मिलता है, वो चीज़ लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो फाइनली हमारे अभी दर्शन हो चुके हैं और ये पीछे कुछ आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं, पूरा बड़ा सा हॉल है। हॉल से ही इजीली आपको जो है शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। ये सामने देख रहे हैं नागेश्वर महादेव का शिवलिंग और उसके जस्ट बिहाइंड साइड में माता पार्वती जी की मूर्ति बनाई गई है और ये कुछ व्यू है जो कि मंदिर का टोटल है। और चलिए यहाँ पे दर्शन तो अपने हो गए हैं, अब चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अभी और क्या चीज़ें हैं बाहर की साइड में। मंदिर से जस्ट फ्रंट साइड में यहाँ पे आप श्री शनिदेव जी का मंदिर देख सकते हैं, उसके बाद सीधे यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे जो है यहाँ पे आप भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी का एक आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। दर्शन वगैरह कंप्लीट करके आप जैसे एग्जिट गेट से बाहर के लिए आएंगे तो मंदिर के सामने साइड में आप भव्य विशाल एक महादेव जी का जो है स्टैचू बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ें रहेंगी और मंदिर के बाहर साइड का कुछ व्यू आप ऐसे देख पाएंगे। यहाँ पे रस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो रखा है, भीड़ स्टार्ट हो गई है आना, बट सुबह तो खाली था। तो आज की डेट है 5 गज और इसी के साथ जो मेरी श्री नागेश्वरम की ट्रिप थी वो भी यहाँ पे डन हो गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इसके बाद हर ट्रिप के बाद मेरा डन का जो लोगो लगता है वो क्योंकि श्री नागेश्वरम में भी कम्प्लीट हो चुका है और साथ ही साथ एक और बचा हुआ था ओम कालेश्वर का, साथ ही साथ ओम कालेश्वर भी मेरा हो चुका था बट स्पीकर नहीं लगाया था। तो यहाँ पे भी ओम कालेश्वर की जो ट्रिप थी वो भी हो चुकी है डन, तो यहाँ पे भी एक स्पीकर बनता है। तो चलिए चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। अब जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप बची हुई है वो है श्री सोमनाथ की। तो यहाँ से सोमनाथ की दूरी जो है समवेयर अराउंड ये मान के चलिए कि 250 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ से निकलते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटे तो सोमनाथ के लिए लग जाएंगे, 5 घंटे के अराउंड। और वहाँ पे पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं कैसे क्या ही है रास्ते में। अभी हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अभी नहीं कर रखा। अभी दर्शन हो गए हैं, लगभग 8:30 बज रहा है और यहाँ पे की गर्मी 8:30 बजे की समथिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, उमस काफ़ी ज़्यादा है। सो चलिए चलते हैं कंटिन्यू करते हैं आगे की जो अपनी टूर है श्री सोमनाथ की। सीधे आपको मिलते हैं सोमनाथ में।
सो गाइस यहाँ पे एक और याद रखने वाली चीज है कि अगर आप कभी भी श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अगर प्लान करते हैं तो आपको जो स्टे वगैरह के लिए रहेगा वो आपको द्वारिका में ही करना पड़ेगा, और क्योंकि जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग वाला प्लेस है वो थोड़ा सा आउटसाइड में पड़ता है, तो यहाँ पे स्टे वगैरह के लिए आपको दिक्कत होने वाली है। तो सो ऐसा शेड्यूल करके आए कि आप स्टे का अगर प्लान करते हैं तो आप द्वारिका में स्टे कर लें। द्वारिका में स्टे करने के बाद सबसे सुबह सुबह आप श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद फिर आप बाय कार अगर जाते हैं तो बाय कार या कि फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाइक बस टैक्सी वगैरह इजीली मिल जाएगी, जो कि 16 किलोमीटर की दूरी होती है श्री नागेश्वरम की, वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगी। तो वहाँ पे आप इजीली दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका क्योंकि आराम से दर्शन हो जाते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं। हाँ, शिवरात्रि वगैरह के टाइम पे आएंगे तो आपको भीड़ वगैरह यहाँ पे मिल सकती है, बट अगर जनरल आप नॉर्मल सीजन्स पे आएंगे तो आपको इतनी भीड़ वगैरह भी नहीं होती। इजिली जो है वो आपके 15 से 20 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। सो मेरे भी दर्शन वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं वापस द्वारिका लौट रहा हूँ। द्वारिका से मैं सीधे सोमनाथ निकल जाऊँगा। तो चलिए, सोना जो समय हो रहा है लगभग 11 बज रहा है और मैं ऑलमोस्ट सोमनाथ पहुँच चुका हूँ। सोमनाथ की जो दूरी है यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो ये मान के चले 45 मिनट के लगभग और लगने हैं सोमनाथ पहुँचने के लिए। और सड़क के पास से ही समुंदर का काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। और चलिए सोमनाथ पहुँच जाते हैं और आज देखता हूँ वहाँ पे पहुँच के कितना टाइम लगना है मंदिर में दर्शन के लिए। तो वहाँ पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं कि क्या ही करना है, महाराष्ट्र के लिए आज निकलना है या कि फिर अगले दिन निकलेंगे। सो सबसे पहले तो दर्शन हो जाए, दर्शन करने में कितना समय लगेगा उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए 45 मिनट का सफर और बचा है, आप ये मान के चले लगभग 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा सोमनाथ, तो और फिर वहां पे दर्शन का क्या प्रोसेस रहता है वो कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं। सो फाइनली गाइस मंदिर आ गया हूँ, सोमनाथ मंदिर में गाड़ी मैंने पार्किंग पे लगा दी है। अब यहाँ से पैदल पैदल लगभग 500 मीटर की दूरी में मंदिर है, तो मंदिर चलते हैं। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है देख के, तो लेट्स सी देखते हैं कितनी क्या भीड़ है और कितना टाइम लगता है यहाँ पे दर्शन के। फिर एक बार दर्शन हो जाते हैं फिर उसके बाद फिर आगे का जो भी शेड्यूल होगा उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। गाइज मंदिर में टोटली कैमरे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, सो दैट्स वाई अंदर का ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और अभी ऐसा है कि दोपहर का समय भी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, सो यहाँ पे टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी अलाउड नहीं है ऐसे करके, तो इसलिए अंदर ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सो चलते अपन दर्शन ही कर लेते हैं पहले, मोबाइल वगैरह मैं जमा करवा दूँगा तो ब्लॉग जो है वो आना मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं, श्री सोमनाथ मंदिर का है ये व्यू। और चलिए मैं दर्शन के लिए चला जाता हूँ क्योंकि अभी तो क्या है कि जो यहाँ का वीडियोग्राफी वगैरह है वो अलाउड नहीं करेंगे, तो फिर मोबाइल ले जाना कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, तो इसलिए आगे का ब्लॉग नहीं आ पाएगा। गर्मी देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, कैश ख़त्म हो गए थे तो मैं बस वही ATM पे था कैश निकालने के लिए, तो चलिए कैश निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है गाइस की, अनएक्सपेक्टेड आप देख रहे हैं, ये देखिए गर्मी की वजह से पूरा हाल हो रखा है। सो फाइनली काफ़ी टाइम से ATM ढूंढ रहा था और फाइनली एक ATM मिला, वहाँ से मैंने कैश विड्रॉ किया। एक दिक्कत यहाँ पे और आती है कि आपको साथ में कैश कैरी करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जो यहाँ की शॉप्स वगैरह रहती हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वो QR कोड या फ़ोन पे वगैरह से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको कैश साथ में कैरी करके ही यहाँ पे जब भी आए तो आए, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज़ फिर क्या कि कैश की क्राइसिस ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको ATM वगैरह पर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ में जो भी यूज़फुल कैश हो वो आप साथ में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो चलिए थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं क्योंकि दर्शन वगैरह हो चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का हो गया है। श्री सोमनाथ जी के दर्शन के बाद फिर जो ये मेरी ट्रिप है वो 7वीं ट्रिप है, जो कि 7 ज्योतिर्लिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो महाराष्ट्र का है। सो चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या गर्मी का माहौल है, पता नहीं मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी शर्ट गीली हो चुकी है, मैंने जानबूझ के टी शर्ट ही पहना था, मुझे पता था गर्मी होने वाली है, सो डेट्स वाई। तो चलिए श्री सोमनाथ जी के दर्शन प्रॉपर हो गए पूरे तरीके से और अंदर अलाउड नहीं था मोबाइल वगैरह नहीं, तो मैं आपको बिल्कुल दिखा था, आप मेरे पीछे ये मंदिर का व्यू देख पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आप खुद आए यहाँ पे, खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए तो ज़्यादा चीज़ अच्छी चीज़ होगी। सो
इस चीज़ के साथ में जो मेरा सोमनाथ की ट्रिप है उसके साथ में यहाँ की सोमनाथ की पूरी ट्रिप कंप्लीट होती है। और अब मेरा अगला टारगेट जो है महाराष्ट्र का वो भी कंटिन्यू कर। भीड़ यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी, जितने ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार, कम से कम गर्मी का तो बहुत ज़्यादा इशू है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप गर्मी की छुट्टियों में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा शाम वाम के टाइम पे। साथ में हमारी जो श्री सोमनाथ की यात्रा है वो कंप्लीट होती है, तो अब चलते हैं। सो गुजरात में गाइस तो गर्मी का माहौल आप देख ही रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब कि कंटिन्यू पसीने आ रहे हैं, ऐसी गर्मी आ रही है। बट कोई नहीं, अपना गुजरात की जो ट्रिप है वो डन हो चुकी है, दोनों अपना जो श्री नागेश्वरम और श्री सोमनाथ दोनों हमारे दर्शन हो चुके हैं। और जो अब मेरा नेक्स्ट प्लान है अब वो मैं महाराष्ट्र में इंटर करूँगा, जो कि नासिक जा रहा हूँ मैं। और नासिक का जो मैंने ट्रिप रखा है वो कल तक के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ से जो नासिक की दूरी पड़ती है अराउंड 800 किलोमीटर है, तो एक दिन में कवर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ कि 300-400 किलोमीटर मैं आज ड्राइव कर लूँगा, इवन 5 से 6 बजे तक 7 बजे तक जब भी हो जाएगा, तो आज मैं 400 किलोमीटर के लगभग ड्राइव कर लूँगा, इन द सेंस कि 50% डिस्टेंस में कंप्लीट करूँगा। आफ्टर दैट जो रहेगा वो 400 किलोमीटर कल रहेगा, और कल ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं दर्शन का भी प्लान रखूँगा, तो वहाँ पे दर्शन भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो रहेगा तो नेक्स्ट जो भीमशंकर और कृष्णेश्वर रहेंगे तो उनको भी परसों तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर जो रहेगा प्लान वो मल्लिकार्जुन का रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस सफ़र को और मिलते हैं आपसे, देखते हैं अभी कहाँ पे रुकना होगा, क्या कैसा जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करते चलेंगे। सो जो रास्ता होने वाला है वो राजकोट, वापस राजकोट और वडोदरा होते हुए वापस मुझे जो है निकलना रहेगा नासिक के लिए। तो अभी जस्ट मैं निकला हूँ श्री सोमनाथ से, तो यहाँ से निकला हूँ, तो अब देखिए कितना टाइम लगता है। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। सो वापस अभी एक बार गुजरात में फिर से डीजल डालना पड़ रहा है लगभग राजकोट में, तो यहाँ पे वापस टैंक खाली हो चुका है और लगभग यहाँ पे जो रेंज है 75 किलोमीटर की बची थी, तो मैंने सोचा एक बार वापस डीजल डलवा लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कितना डीजल आ रहा है इसमें, अभी लगभग जो है 4500 रुपीज़ का आया है और 48-49 लीटर के लगभग इसमें पूरा भी फ्यूल आया है वापस, जो कि गुजरात में मैंने डलवाया इसको। सो गाइस जब मैं कल सी पॉइंट से वापस आ रहा था, लाइक सी पॉइंट से लगभग मैं 7 बजे के समय में वापस आ रहा था, तो अपने एक राजकोट से एक सर थे जिनका आरएस पाल करके हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया था कि अगर आप जब भी इधर से श्री सोमनाथ के दर्शन करने के बाद जब भी आप वापस लौटें तो एक बार मिल के जाएँ। तो मैंने उनसे अभी रास्ते में बात किया, तो सर तो नहीं मिले बट उनके छोटे भाई थे और उनके सुपुत्र थे, तो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप एक शॉल और अच्छी खासी खातिरदारी की। मैं साथ में पिक्चर्स भी आपके शेयर करूंगा जो कि उनके ऑफिस की है, तो इस क्लिप के बाद आपको वो वहाँ की जो पिक्चर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सो एक ये प्राउड मोमेंट होता है कि चलो आप कहीं हो एक अननोन शहर में, एक अननोन प्लेस में, तो एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई बढ़ावा दे रहा है किसी चीज़ के लिए और कोई आपको अपना जैसा मान रहा है, ये सारी चीज़ें एक अच्छी चीज़ होती है। ये सब चीज़ों से ना इंसान को मोटिवेशन मिलता है, कम से कम कुछ आगे करने की चाह बढ़ती है। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे कभी अगर मेरे भी जीवन में, कभी आपके भी जीवन में अगर ऐसे कोई क्षण या ऐसे कोई मोमेंट आते हैं, तो यही बोलूँगा कि आप उस चीज़ को कभी मिस आउट ना करिए, क्योंकि एक छोटी सी भेंट किसी के लिए और एक 5 से 10 मिनट का टाइम किसी के लिए वो जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाता है और वो आदमी कभी भी आपके लिए काम आ सकता है और कहीं भी काम आ सकता है। सो इस चीज़ को आपको भी अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ इस चीज़ को डिनाई ना करें और इस चीज़ को करें। सो चलिए चलते हैं, अभी जो मेरा सफ़र है वो मुझे बहुत लंबा तय करना है, लगभग यहाँ से 650 किलोमीटर है और ड्राइव भी मुझे अकेले नहीं करनी है, तो देखता हूँ अगर हुआ तो मैं हो सकता है बड़ोदरा में रुक जाऊँगा या कि फिर सूरत में रुकूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सफ़र को, देखते हैं अभी कितना ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि अभी समय जो हो रहा है वो 5:30 बज रहा है और नाइट भी हो जाएगी, तो फिर मैं नाइट में ज़्यादा ड्राइव नहीं करूँगा बिकॉज एरिया मेरे लिए नया है और चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, दैट्स व्हाई। चलिए अभी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी अपने पास काफ़ी टाइम। सो गाइस जो लगभग समय हो रहा है वो बज रहा है 11 और मैं रुक गया हूँ बड़ोदरा में और
कल मॉर्निंग में फिर से निकलेंगे लगभग 9 बजे, 8-9 बजे के लगभग निकलेंगे, और वहाँ से यहाँ से फिर निकलना रहेगा त्र्यंबकेश्वर के लिए नासिक, और नासिक में दर्शन वगैरह करने का, क्योंकि यहाँ से जो दूरी बची है वो 350 किलोमीटर के लगभग दूरी बची है, जो कि मे भी समय लग सकता है 5 से 6 घंटे का। तो कल ट्रैवल और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्लान रहेगा तो फिर आगे का कल ही देखते हैं कि किधर, या भीमशंकर या कि फिर जो अपना रहेगा घृष्णेश्वर महादेव। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। सो चलते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए क्योंकि ड्राइव काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सो यही है आज के ब्लॉग में, और आज काफ़ी ज़्यादा रन हो गया है, अराउंड 600-700 किलोमीटर का जो ट्रैवल था वो हो चुका है। सो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। सो चलिए कल मिलते हैं।